मेरा नाम गुरुदेव के नाम से जुड़ा प्रेम रत्न विजय जी है। प्रेम जी, बात करें आज एक प्ले हो रहा है, क्या है और आप काफी मतलब जो आपकी वेशभूषा है क्या है और बताना चाहेंगे? आज का महामंगल कार्य दिन 2 से 6 बजे तक का प्ले रहेगा, जिसमें सिर्फ तपाकच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज, जिन्होंने एकता का माहौल, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत सम्मेलन, जिन्होंने 17 बरस तक साधु के मुख्य व्यक्ति रहे, और आज 2 से 6 ये अद्भुत प्रकार की बातें इस माहौल के अंदर, इस आनंद के अंदर, इस उत्साह के अंदर, इस उमंग के साथ तपाकच्छाधिपति प्रेम श्री महाराज का अद्भुत प्रकार का परिचय देने में आएगा, क्योंकि 98 बरस की उम्र के बाद आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि कहलाती है। और हमारे प्रेम श्री महाराज हमेशा के लिए प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, कभी उनके मुख के ऊपर कभी निराश भाव, उनके मुख के ऊपर कभी एकदम उदासीनता, ये कभी नहीं दिखता था। हमेशा के लिए उनके चेहरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्मित, हंसी, खुशी, चेहरे पे स्माइल, चेहरे पे जो कहते हैं ना एक प्यार, एक प्रेम, एक अनोखी बात, यही सब चीज तपाकच्छाधिपति प्रेम सूरी के जीवन के अंदर थी। इसको एक नाटक का रूप दिया गया है, इसमें जो पात्र है क्या है और क्या तैयारियां हैं और आप उनको कैसे गाइड करते हैं? जी, जैसे छोटे से प्रेम श्री महाराज थे तो अपने बचपन के अंदर उन्होंने उनका जो जीवन जिया, उन्होंने उनका जो लाइफस्टाइल में लाइफ लिया वो कैसे थे, उनका नाम पन्ना लाल था, उनके पिता का नाम, उनकी माँ का नाम, उनके सभी प्रकार के जो जो उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, जो जो उन्होंने इतिहास की रचना की, वो सारी बात यहाँ पे बताने में आएगी। और ये जो है वेशभूषा जो है, इसमें ब्रह्मचर्या में क्या क्या चीजें पालन करते? ये 5 चीज की बातें हमारे जीवन में बताई जाती है। जो जैन साधु होता है उसके लिए 5 चीज, नंबर 1 प्राणातिपात, यानी कि जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना, किसी भी कीड़ी को, यदि आप लोग आपके परिवार में रहो, योर फैमिली में आप रहो, तो आप कितने लोग का मेंबर बनते हो? 4, 5, 6, 8, 10। लेकिन जिस दिन हम इस वस्त्रों को, ये हमारा लाइसेंस कहलाता है, जिसका नाम है रजोहरण, ये हमारा लाइसेंस, तो इसको हम साथ में रखते हैं हमेशा के लिए, और इसको प्रमार्जना करके बोलते हैं, एक विधि होती है हमारी कि जैसे कि यहाँ पे कीड़ी आ गई हो, मुंह वहाँ डाल दिया हो, लेकिन हम बड़े प्यार से इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें एक जैन साधु का विरुद्ध लगता है। और नंबर 2, कभी हम हमारे जीवन में झूठ नहीं बोलते। नंबर 3, कभी हमारे जीवन में कोई चोरी नहीं। नंबर 5, हमारे जीवन के अंदर परिग्रह बोलते हैं, परिग्रह इकट्ठा करने, लोभ, वो हमारे जीवन में नहीं होता। और साधु वही कहलाता है, सिर्फ जैन साधु की बात नहीं करता हूँ, यूनिवर्सल डेफिनेशन, जैसे व्यक्ति को ऑक्सीजन, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, उसी प्रकार से व्यक्ति के लिए यानी कि साधु के लिए यूनिवर्सल डेफिनेशन वही होता है, जो साधु राग द्वेष न करे, जो साधु क्रोध कषाय आदि न करे, जो साधु लोभ मान माया ये सब न करे, उसी को जैन साधु या अथवा कोई भी साधु, उसी को साधु कहते हैं। एक 4th नंबर का, जिसे आपकी भाषा में ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसे साधु न कभी स्त्री को छू सकता है, न कभी स्त्री के प्रति गलत विचार ला सकता है, यही हमारा 4th नंबर का अद्भुत प्रकार का, जिसे मैथुन बोलते हैं, ओके सर, संस्कृत की भाषा में मैथुन बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो यही है कि आज जो इस महोत्सव जो आयोजन किया है, ये ऐसी धर्मात्मा ऐसी पुण्यात्मा का आज जो हम महोत्सव मनाने जा रहे हैं, एक ये आज से करीब 100 बरस पहले एक ऐसी महानात्मा का जन्म हुआ जिनका नाम था प्रेम सुरेश्वर जी महाराज, जिनको आज हम तीसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं, और सभी साधु भगवंत यहाँ विराजमान है, और मुंबई के समस्त मुंबई जैन समाज इसको बड़े ही हर्षोल्लास से मना रही है। आज दुख भी है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हमें एक सुख भी है कि वो ऐसी विरासत, आध्यात्मिक विरासत ऐसी देखे गए, जिसके लिए हमें उनको पाकर एक गौरवान्वित है। मैं नहीं मानता हूँ कि आज प्रेम सुरेश्वर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि हमेशा पहले थे, अभी भी हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी विरासत दी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर मैं उनको जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को उन्हें सशत प्रणाम करता हूँ, और पूरे कार्यक्रम में जो हमारे
महाराज साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत धर्म प्रवाह में अटूट हैं। प्रशांत शेखर जी महाराज साहब और प्रेम रतन जी और हेमचंद सूर्यशो जी महाराज साहब यहाँ विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में मंगल आयोजन हो रहा है। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर पधारे हैं, मैं तहे दिल से आप सबकी धन्यवाद।